हेलो फ्रेंड्स, डीके दिस साइड। फ्रेंड्स, हम हर सप्ताह स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस का वीडियो लेके आते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वीक ऑन वीक बेसिस पर मार्केट के बारे में उसके स्टैंड्स को समझना कि मार्केट में जो वीक समाप्त हुआ है कैसा परफॉर्म किया और आने वाले वीक में कहाँ संभावित डिमांड एंड सप्लाई जोन है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर में हर सैटरडे के दिन आपके चैनल पे एक वीकली एनालिसिस का वीडियो आता है, और उसी तरह दोस्तों हमें ग्लोबल मार्केट के ऊपर में भी नजर रखनी चाहिए। तो हमारे दूसरे चैनल पे यूएस स्टॉक मार्केट का वीकली एनालिसिस का वीडियो आता है। ये दोनों वीडियो के कॉम्बिनेशन से हम अपने आप को तैयार करते हैं आने वाले सप्ताह के लिए कि क्या संभावित मूव हो सकता है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएस डॉलर, आईएनआर करेंसी पेयर की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पर है डिमांड एरिया और कहाँ पर है सप्लाई एरिया, ताकि अगले वीक में स्टॉक मार्केट की चाल के बारे में एक अंदाजा लगा सके, उसका फोरकास्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण चर्चा की इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर में शुरुआत करते हैं। प्राइस चार्ट में चलने के पहले एक बार सेक्टर के ट्रेंड्स को देखते हैं कि पिछले 7 दिनों के दौरान में वो कौन से सेक्टर हैं जिन्होंने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। तो वो सेक्टर है दोस्तों टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल्स जैसे कैपिटल गुड्स, मटेरियल्स एंड फाइनेंशियल्स। तो इन चार सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को। बट दोस्तों, ये गौर करने वाली बात है कि सारे सेक्टर्स ने एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड किया है और कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी 50 के अपसाइड मूव में। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं, जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करके डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क करते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, और यूएस डॉलर आईएनआर करेंसी पेयर का ब्रॉडर आउटलुक लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। हम पहले रेफर कर रहे हैं निफ्टी 50 के वीकली प्राइस चार्ट को। हम यहाँ पे कुछ चीजों को है जो इंपॉर्टेंट है हमें ऑब्जर्व करना प्राइस चार्ट पर। सबसे पहला कि लास्ट वीक में निफ्टी 50 ने 1.68% का रिटर्न दिया है वीक ऑन वीक बेसिस पर। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में मदद कर सकती हैं। यहाँ देखिए, प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, और इसका सिमिलर यहाँ पर रिजेक्शन हमने देखा। और जब ये मार्केट गिरा तो यहाँ पर देखिए, मार्केट ने 29 अगस्त वाले वीक में एक गैप डाउन ओपनिंग दी है और उसमें कंसिस्टेंट बाइंग आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लियर कट बेयर्स ने पूरी कोशिश कर ली, भरपूर कोशिश कि मार्केट को नीचे लाना है, लेकिन बुल्स अल्टीमेटली मार्केट को रिकवर कर गए और उन्होंने डोमिनेट किया बेयर्स के ऊपर में। ऑल्दो उस सप्ताह में वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर देखें तो लास्ट वीकली एनालिसिस के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मार्केट 0.11% की गिरावट के साथ में क्लोज हुआ है, लेकिन मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। अब इस वीक में ध्यान से देखें तो इस वीक में एक डिसाइसिव अपसाइड मूव होता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम भी जो है एवरेज वॉल्यूम से अधिक है, तो बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों। इसके अलावा ये लेवल का देखिए दोस्तों, प्राइस रिजेक्शन जो लास्ट हुआ था 4 अप्रैल 2022 में, तो ये रिजेक्शन में कहां से रिजेक्शन हुआ, 18,114.65 का हाई बनाया था मार्केट ने 4 अप्रैल 2022 वाले वीक में। तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, और यही कारण है कि हम 3 PM स्टॉक मार्केट के दौरान में यह चर्चा करते आ रहे हैं कि हमें इंतजार है मार्केट में किसी भी दिन क्लोजिंग का जो 18,115 के ऊपर होगा। अब मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं। आप देखिए, ये दो ट्रेंड लाइन हमने खींची है, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, और
यहां पर प्राइस का रिजेक्शन था, जिसका ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया पिछले सप्ताह में। हम इस ट्रेंड लाइन को दूसरे तरीके से भी खींच सकते हैं, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। और लास्ट वीक में चर्चा की गई थी कि इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है वो एक सप्लाई बैंड के रूप में एक्ट करेगा, और अकॉर्डिंगली आप देखिए 18,000 से 18,115 का जो जोन है वो एक सप्लाई जोन है। जैसे ही प्राइस 18,100 के ऊपर में ट्रेड होने लगेगी तो हम निफ्टी को 18,435 पर जाता हुआ देखेंगे, क्योंकि प्रायर इंपल्सिव डे का जो फिबोनाची एक्सपेंशन है वो इंडिकेट करता है कि अगला पॉसिबल मूव इसका 18,435 पर हो सकता है। अब 18,435 पर प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगी, ओवरबॉट हो जाएगी, एक करेक्शन होगा, बट अल्टीमेटली प्रायर इंपल्सिव वेव से जो टारगेट निकल रहा है वो 18,700 का टारगेट निकल रहा है। चलिए डेली प्राइस चार्ट पर एक नजर डालते हैं, तो यहां पर ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहां पर EMA 55 ने SMA 233 को क्रॉसओवर कर लिया है। इसके पहले यहां पर इसने क्रॉसओवर किया था SMA 200 को, इसका मतलब गोल्डन क्रॉस अब हो चुका है मार्केट में, तो मार्केट वेल डिफाइंड अपसाइड ट्रेटरी में है और अब ट्रेंडिंग मार्केट बन चुका है जहां तक इंडियन स्टॉक मार्केट का सवाल है। अब यहां देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां है जहां क्रॉसओवर हुआ है 17,100, तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं 17,000 से 17,100 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में निफ्टी 50 में नजर आ रहा है। अब यहां पे प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस का सपोर्ट और ये प्राइस का यहां गैप अप ओपनिंग हुई है 8 सितंबर को, तो 17,500 से 17,600 का ये जो जोन है, और इसी जोन में EMA 21 भी इंटरवीन कर रही है, ये आने वाले सप्ताह में डिमांड जोन के रूप में काम करेगा जबकि सप्लाई जोन होगा 18,000 से 18,115 का। तो चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट पर चलते हैं, पहले वीकली प्राइस चार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं निफ्टी से अधिक नजर आ रही है, और पिछले वीक में भी बैंक निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है वो है 2.52% का। इसका तात्पर्य है कि निफ्टी 50 को बैंक निफ्टी ने क्लियर कट अच्छे मार्जिन के साथ में आउट परफॉर्म किया है। अब यहाँ सिग्निफिकेंट बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन था, प्राइस का रिजेक्शन था, इसका एक डिसाइसिव ब्रेकआउट लास्ट वीक में हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर और ध्यान से देखें, डबल बॉटम का फॉर्मेशन है और ये अपेक्स था डबल बॉटम का, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा सा हम इंटरमीडिएट टर्म्स में पर्सपेक्टिव देखें और मैं एक टारगेट निकालने की कोशिश करूं, तो देखिए इसका अगला टारगेट 42,600 आता है और उसके बाद 45,400 की चाल बैंक निफ्टी तय कर सकता है। लेकिन इमीडिएट टर्म्स में देखें यहां पर, तो यहां पर प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, तो 39,450 का लेवल एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है, और अपसाइड में प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, तो 39,650। तो ये जो जोन है ये डिमांड जोन के रूप में आने वाले सप्ताह में काम करने की संभावना है। आपको याद होगा कि हम एक लेवल की बात कर रहे थे 40,160 के लेवल की, जिसके ऊपर में लास्ट वीक में क्लोजिंग हुई है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को हम देखें तो 40,800, इसके लिए डेली चार्ट पे चलते हैं ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो यहां पर देखें 40,800 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप अप मार्केट ओपन हुआ और कहीं ना कहीं लॉस ऑफ अपसाइड मोमेंटम देखा गया। और अगला रेजिस्टेंस कहाँ है 41,350 पे, यहाँ प्राइस का रिजेक्शन है। आने वाले वीक में फिलहाल 40,800 से 41,350 का बैंड एक सप्लाई जोन के रूप में एक्ट करेगा बैंक निफ्टी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यूएस डॉलर INR करेंसी पेयर की तरफ। तो यूएस डॉलर INR करेंसी पेयर में कोई खास स्टैंड में परिवर्तन नहीं आया है जिसकी चर्चा लास्ट वीक में की गई थी। अब देखिए ये एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ था, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रेंड लाइन जो है राइजिंग वेज को जो फॉर्म कर रही है उसके बीच का जोन जो है वो सिग्निफिकेंट डिमांड एरिया है। लेकिन उसके पहले यहां देखिए EMA 55 है, जहां प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है
तो 79.1 से 79.5 का जो जोन है वो एक सिग्निफिकेंट डिमांड जोन के रूप में हम देख सकते हैं। और लास्ट वीक में हम देखें तो लास्ट वीक में इंडियन करेंसी मार्जिनली 0.40% से स्ट्रांग हुई है यूएस डॉलर के प्रति, और एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। लास्ट वीक में हमने चर्चा की थी 80 से लेकर 80.2 का जो बैंड है ये सप्लाई जोन है, और यहीं से प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन हम देख सकते हैं। लेकिन एक बार प्राइस 80.2 के ऊपर में ट्रेड होने लगी तो हम इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर के प्रति और कमजोर होता हुआ देखेंगे, और ये 80.95 से 81 के लेवल पे जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस तरह की एनालिसिस से आपको वैल्यू एडिशन होता होगा। वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब आज दोस्तों शाम को 5 बजे मिलेंगे दूसरे चैनल के ऊपर में, जहां पे यूएस स्टॉक मार्केट की डिटेल एनालिसिस करके संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे, कहां पर है डिमांड एरिया और कहां पर है सप्लाई एरिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।